नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस हियर इज ऑस्मो रेगुलेशन. ऑल राइट, सो वॉट इज ऑस्मो रेगुलेशन? कोई भी ऐसा प्रोसेस जो ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन या रेगुलेट करने का काम करे, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन. ऑल राइट, सो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस मेजरली कौन परफॉर्म करता है? किडनीज ही परफॉर्म करती हैं. कैसे? वाटर का रिमूवल 95% वैसे भी किडनीज के थ्रू हमारी बॉडी से होता है. ऑल राइट, सो ब्लड का कॉम्पोजिशन जो है वो अल्टीमेटली डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर वापस कैपिलरी नेटवर्क में आ जाता है, ताकि ब्लड का जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है वो मेंटेन्ड रहे. ऑल राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन. इसमें अपना मेजर रोल कौन कौन प्ले कर रहा है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का जो भी प्रोसेस है. ठीक है, तो ब्लड की ऑस्मोटिक रेगुलरिटी को मेंटेन करना ताकि कोई इम्बैलेंस क्रिएट ना हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन. एंड द प्रोसेस इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाई किडनीज. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि समर्स के टाइम पे हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं लेकिन फिर भी यूरिनेट काफ़ी कम करते हैं दैन विंटर्स. ठीक है, एंड इन फैक्ट समर्स के टाइम पे जो यूरिन पास आउट होता है वो काफ़ी थिक होता है कंपैरेटिव टू इन विंटर्स. ऑलराइट, सो इसका रीज़न क्या है, ये चीज़ एक्चुअल में होती क्यों है कि गर्मियों के मौसम में हम पानी कितना भी पीते हों लेकिन यूरिनेट बहुत कम करते हैं? इसका रीज़न होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज परस्पायरेशन. परस्पायरेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, जिसमें हमारी बॉडी गर्मियों के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वाटर हमारे स्वेट के थ्रू रिलीज़ करती रहती है. ठीक है, तो ऐसे केस में वाटर बहुत ज़्यादा किडनीज़ के थ्रू एलिमिनेट नहीं हो पाता. ठीक है, तो शरीर में पानी की कमी ना हो उसके लिए जो किडनीज़ हैं वो अल्टीमेटली वाटर को रीअब्जॉर्ब करने लगती हैं और ब्लड स्ट्रीम में वापस भेजती हैं, ताकि ब्लड कैसा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो सके. ठीक है, सो द रीज़न इज़ परस्पायरेशन, बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर थ्रू स्वेटिंग अल्टीमेटली कॉजेज लेसर रिमूवल ऑफ यूरिन इन समर डेज दैन इन विंटर्स. ऑलराइट, सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न. नेक्स्ट हम बात करेंगे दो और डिजीज़ की, दैट इज़ कॉलरा एंड यूरेमिया. ठीक है, कॉलरा इज़ द मेजर डिजीज़ और यही अल्टीमेटली क्या कॉज करती है? यूरेमिया. तो इसके स्टेप्स को एक बार देख लीजिए, ये एग्ज़ाम में से क्वेश्चंस भी आते हैं. सो व्हाट इज़ कॉलरा? कॉलरा बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज विब्रियो कॉलरे. ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक को काफ़ी इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और जब इंटेस्टाइन के एरियाज़ के पास उसकी वॉल में वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो वही वाटर वॉमिटिंग के थ्रू और एक्सेसिव वाटरी बाउल्स के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज़ होता रहता है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एरो वाइज इसको समझिए तो एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड वाटरी बाउल्स होते हैं कॉलरा की वजह से. ऑल राइट, देन इंटेस्टिनल जो वॉल्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और ब्लड तक नहीं पहुंचा पाती. ठीक है, तो ऐसे केस में शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो ऐसे कंडीशन में जो किडनीज होती हैं वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं एंड अलॉन्ग विद यूरिया. पानी तो रीअब्जॉर्ब होता ही है लेकिन साथ ही साथ यूरिया भी वापस ब्लड स्ट्रीम में जाने लगता है. ठीक है, थ्रू द रेनल ट्यूब्यूल्स. ऑल राइट, सो बेसिकली पानी का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है अलॉन्ग विद यूरिया, दैट एक्चुअली कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन दी ब्लड स्ट्रीम. यूरिया का लेवल एकदम से बढ़ जाता है बॉडी में, दैट अल्टीमेटली कॉजेज यूरिया पॉइजनिंग, और यूरिया पॉइजनिंग को ही बायोलॉजिकल टर्म्स में हम कहते हैं यूरेमिया. ठीक है, दिस डिजीज इज बेसिकली ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ कॉलरा. राइट, इस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं. सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज़ द यूज़ ऑफ ग्लूकोज सलाइन ड्रिप. ड्रिप चढ़ाई जाती है ऐसे पेशेंट्स को, और उसके अलावा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है जिसको हम ORS भी कहते हैं. ठीक है, ये एक इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिससे कि ब्लड में पानी की कमी को दूर किया जा सके. सो दैट वॉज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, कॉलरा एंड यूरेमिया.